तो चलो लीनियर प्रोग्रामिंग के और क्वेश्चन कर लें देखो हमें पता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा सब्जेक्टिव ज़्यादा है बट हमने जैसे पिछली वीडियो में भी देखा कि इसके एम सी क्यूज बहुत ही ईजी वाले बनते हैं और तुम ना बड़ी लेंथ का क्वेश्चन दे के ना छोड़ मत देना उसे लीनियर प्रोग्रामिंग से जैसा ईजी सब्जेक्ट तो कोई ईजी टॉपिक कोई नहीं है द पोजीशन ऑफ अ रीजन जीरो जीरो विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल रीजन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इकल टू वन बोला है तो उन्होंने बोला और की इसके रिस्पेक्ट क्या है कंडीशन एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू वन तो यहाँ पे जीरो कॉमा वन वन कॉमा जीरो तो यहाँ पे जीरो ग्रेटर इक्वल टू वन ये वाला एरिया यहाँ तो ऐसे चेक कर लूँ और इसमें नहीं आता है या बेसिकली अगर ये भी नहीं बनाना टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें जीरो जीरो डाल दो तो जीरो प्लस जीरो ग्रेटर इक्वल टू वन जीरो ग्रेटर इक्वल टू वन होता है नहीं होता है इट डज नॉट बिलोंग इन द रीजन तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बताओ क्या क्या होता होता है? है का मतलब कि उसके अंदर ही सारे points हो और एक लाइन उस दोनों पॉइंट्स को मैच कर पाए उसी के अंदर तो इट इज ऑलवेज अ कन्वेक्स पॉलीगन याद रखना है हमने फिजिबल रीजन शेडेड फॉर अ एल पी पी इज शोन इन फिगर तो फिगर दी नहीं हुई हम बना लेते हैं बेसिकली फिगर ऐसे है कुछ ओरिजिन फोर कोमा जीरो जीरो कोमा फोर तो ये आपका रीजन दिया हो और ये शेडेड है एलपीपी देन मैक्सिमम ऑफ जेड टू एक्स प्लस थ्री वा जब देखो ऐसे फिगर दे दी तो उन्होंने तुम्हारा काम और आसान कर दिया कॉर्नर पॉइंट्स भी दे दिए मुझे तो मैं ढूंढ लू टू एक्स प्लस थ्री वाय जीरो जीरो पर क्या आएगा जीरो आएगा फोर जीरो पे क्या आएगा फोर टू सा एट एट आएगा और टू कमा फोर पे क्या आएगा जीरो कमा फोर पे क्या आएगा ट्वेल्व आएगा तो मैक्सिमाइज किस पे हो रहा है जीरो कमा फोर पे हो रहा है या नहीं हो रहा है तो जीरो कमा फोर सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इजिकल टू जीरो पॉइंट सेवन एक्स प्लस वाई फिजिबल रीजन गिवन बिलो इज अब देखो यहां पे फिजिबल रीजन नहीं दिया ना बट हमें बना लेते हैं उसको तो ये रहा उसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो इसको ऐसे करके एक लाइन आपको ये दे रखी है एक लाइन दे रखी है आपको थर्टी कॉमा ट्वेंटी पे ये मैच करते हैं ऊपर वाली लाइन के कोई पॉइंट नहीं जीरो कॉमा फोर्टी दे रखा है यहाँ पे दे रखा है फोर्टी कॉमा ज़ीरो और ये ज़ीरो कॉमा ज़ीरो है आपके पास रीजन तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं या नहीं है कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम चेक कर लें मैक्सिमम वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट के लिए आएगी अब कैसे चेक करना है कॉर्नर पॉइंट्स लिखो पहले लिख लो ज़ीरो पॉइंट सेवन एक्स प्लस वाई टू जेड मैक्सीमाइज़ कर दूं मैं अब ज़ीरो कॉमा ज़ीरो के लिए क्या आएगा ज़ीरो आएगा जीरो फोर्टी जीरो के लिए क्या आएगा ट्वेंटी एट आ जाएगा फोर फोर्टी इंटू सेवन पॉइंट सेवन और वहाँ पे ज़ीरो है जीरो फोर्टी के लिए क्या आएगा फोर्टी आएगा और थर्टी ट्वेंटी के लिए क्या आएगा वो आएगा थर्टी सेवन से ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी तो ये कितना फोर्टी वन बना मैक्सिमम वैल्यू दी थर्टी पे। ट्वेंटी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है अपनी फोर्टी वन है सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन पॉइंट आउट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन प्लेन रिप्रेजेंटेड बाई टू एक्स प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू थ्री ट्वेल्व इज अब इनमें से पॉइंट बताना है कि कौन सा लाई करता है तो वही लाई करेगा जिसको अगर हम वैल्यूज डालें तो वो ट्वेल्व से नीचे हैं तो जीरो कॉमा थ्री ट्वेल्व से नीचे है जीरो प्लस नाइन लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व नाइन लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व है ना

टिस्फाई ऑल ऑफ द गिवन कंस्ट्रंस ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एल एल पी इज लीनियर फंक्शन टू बी ऑप्टोमाइज एल एल एलपीपी का यही होता है ऑब्जेक्टिव कि ऑप्टिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है तो फंक्शन बी ऑप्टिमाइज तो चलो अब चलते हैं काइंड ऑफ केस स्टडी पे जिसका हम सबको इंतजार था और ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो एक क्वेश्चन के आगे ना एक से पांच पार्ट होंगे तो देख लो पांच क्वेश्चन सीधे ही चले जाएंगे अगर पांच नहीं तो कम से कम एक से तीन पार्ट तो होंगे एक उसके केस स्टडी के और केस स्टडी के आने के बहुत बहुत चांसेस हैं तो केस स्टडी को करना कैसे है? अब देखो इसमें आपको इक्वेशन नहीं दी हुई जेड आपको नहीं दिया हुआ है वो हमें खुद बनाना पड़ता है तो चलो वो भी सीख लेते हैं कैसे बनाना है एंड एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ टू हंड्रेड पैसेंजर्स अब दो सौ पैसेंजर आ सकते हैं मैक्सिमम साइड में स्क्राइब कर लेता हूँ प्रॉफिट ऑफ थाउजेंड इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास तो एक एग्जीक्यूटिव क्लास है और एक है इकोनॉमी क्लास एक एग्जीक्यूटिव है और एक इकोनॉमी है एग्जीक्यूटिव पे हजार का प्रॉफिट है इकोनॉमी पे छह सौ का प्रॉफिट है तो उन्होंने कहा था एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट ट्वेंटी सीट फॉर एन एग्जीक्यूटिव क्लास बीस सीटें ये जो सौ हजार प्रॉफिट वाली है उसकी बीस सीटें रिजर्व रहती हैं हाउ एयर एटलीस्ट फोर टाइम्स एन मेनी पैसेंजर्स गेट प्रेफर टू गो इन इकॉनॉमी क्लास जो एग्जेक्टिव क्लास है उससे फोर टाइम्स ज्यादा इकोनॉमी में जाना पसंद करते हैं तो अब ये सारा दे है। कितनी हमारे पास? आ गया। और अगर मेरा वाई इकोनॉमी क्लास है तो वाई इज ग्रेटर टू फोर एक्स आएगा बिकॉज इकोनॉमी क्लास में फोर टाइम्स ज्यादा ट्रेवल करना लोग पसंद करते हैं तो मुझे ये भी पता चल गया अब उन्होंने कहा है कि मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट अब प्रॉफिट क्या है मेरे पास हजार का प्रॉफिट एक्स के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव क्लास है प्लस सिक्स हंड्रेड का प्रॉफिट इकोनॉमी क्लास के ऊपर तो इस चीज को मैंने मैक्सिमाइज करना है है ना तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई टोटल नंबर ऑफ टिकट्स टू हंड्रेड बहुत ईजी था द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई y इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स अभी हमने जो नोटिस किया तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स भी आ गया अब नेक्स्ट करते हैं अब उसने बोल दिया विच अमंग ऑफ देम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट फॉर दिस एल पी पी अब यहां पे एल पी पी का कंस्ट्रेन कैसे बनाने हैं हमने कंस्ट्रेन आ कौन कौन से सकते हैं जरा चेक करो उन्होंने बोला है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स है हाँ ना तो x की हमें पता है वैल्यू 20 तो रहेगी ही रहेगी बिकॉज एट लीस्ट ट्वेंटी रिजर्व रहती हैं तो x मस्ट बी ग्रेटर इस हिसाब से y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 ये भी होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए देन तो ये दो कॉन्स्टेंस तो मेरे पास आ गए अब दिया हुआ है उन्होंने x प्लस वाई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू टू हंड्रेड ये भी है तो ये तीसरा कंस्ट्रेंट आ गया मेरे पास अब ये तीन कंस्ट्रेंट को मैं मैप कर लेता हूँ क्या बनेगा y ग्रेटर देन एटी यहाँ पे 80 होगा कहीं जीरो का हूँ एटी उससे ऊपर ऊपर ये 200 वाला है तो यहाँ पे जीरो इंटू जीरो और 200 हंड्रेड यहाँ पे टू और जीरो ये बन जाएगा मेरे पास और एक लाइन मेरे पास x मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वेंटी यहां पे भी आनी चाहिए तो उससे इधर इधर है ना तो मेरे पास इन टोटल क्या आ जाएगा और एक लाइन मेरे पास वाई इजिकल टू फोर एक्स भी है तो वो कुछ ऐसी जाएगी मेरे पास है ना तो मेरे पास ये जो छोटा सा रीजन बना है अभी तो बट यही मेरे पास LPP है तो मेरे पास इसके पॉइंट्स आएंगे ट्वेंटी कॉमा एटी एक जो था अगर वाई ट्वेंटी हुआ एक्स ट्वेंटी हुआ तो वाई एटी जो ये वाई इजल टू फोर एक्स जा रही है लाइन एक एक मेरे पास कंट्रेन हुआ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू टू हंड्रेड जो ये वाली लाइन है और वो यहां पे मैच करेगी फोर्टी कॉमा हंड्रेड एंड सिक्सटी वाई इजल टू फोर एक्स को और एक यहाँ पे x जब 20 था और यहाँ पे y कितना होगा एट वन तो ये ट्वेंटी कॉमा वन तो ये तीन पॉइंट्स तो मेरे पास आ चुके हैं तीन तीन पॉइंट्स आ चुके हैं मेरे पास कॉर्नर वाले ट्वेंटी कॉमा एट्टी फोर्टी कॉमा वन सिक्सटी एंड द लास्ट वन वाज ट्वेंटी कॉमा वन एटी ये ट्वेंटी कॉमा वन एटी था और एक ट्वेंटी गा एटी नीचे वाला आएगा तो ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास एक ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला तो ये डायग्राम थोड़ी छोटी बनी है बट तुम थोड़ा स्पेस दे बनाना तो अब इस पर अब मेरे को मैक्सीमाइज़ क्या करना है थाउजेंड एक्स प्लस सिक्स हंड्रेड वाई करना है मेरे को मैक्सीमाइज़ तो अब मैं कर लूँ एट ट्वेंटी एटी मेरे पास क्या बनेगा ट्वेंटी थाउजेंड प्लस वन लैख एट थाउजेंड आ जाएगा सिंपली तो मेरे पास यहाँ पे आ गया वन लैख एंड सॉरी ट्वेंटी थाउजेंड एंड एटी है तो ये एट सिक्स फोर्टी एट थाउजेंड तो यहाँ पे मेरे पास सिक्सटी एट थाउजेंड आएगा ट्वेंटी कॉमा एटी पे अगर मैंने सौ टिकटें ही बेची नेक्स्ट फोर्टी गोमा वन सिक्सटी पे ले लेते हैं क्या बनेगा मेरा फोर्टी थाउजेंड प्लस नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी प्लस नाइन्टी वन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड सारी टिकटें बेची और फोर्टी बेची मैंने एक्स वाली एग्जीक्यूटिव प्लस और हंड्रेड एंड सिक्सटी वो ट्वेंटी कॉमा वन एटी में मेरा क्या बनेगा वो बनेगा मेरा वन लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो रहा है जब मैं एक्स की वैल्यू फोर्टी और वाई की वन सिक्सटी रखूँ और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है वन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड और जब बोलते थे ना कि एल पी पी का कोई फ़ायदा नहीं है बहुत ईजी सा है तो यहाँ पर होता है हमारे पास फ़ायदा एल पी पी का तो बताओ विच ऑफ वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ कंस्ट्रेन अभी हमने क्रॉस चेक मारा है कंस्ट्रेन कौन सा नहीं हो सकता

तो ये x मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ट्वेंटी था एटी नहीं और ये जब बोल रहे हैं कि x मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो तो ये तो एक रिडंडेंट कंस्ट्रेन है ना इसको तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बिकॉज वो जब पहले ही ग्रेटर दैन इक्वल टू ट्वेंटी है बट ग्रेटर दैन इक्वल टू ट्वेंटी से ऊपर वाली वैल्यू नहीं जानी चाहिए थी तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर द प्रॉफिट वैन एक्स इज ईक्ल टू ट्वेंटी एंड वाई इज ईक्ल टू एटी एक्स इज ईक्ल टू ट्वेंटी और वाई इज ईक्ल टू एटी अभी हम निकाल के आते है हैं इसका प्रॉफिट क्या आया था उजेंड आया कि नहीं तो बी सिक्सटी एट थाउजेंड एंड मैक्सिम प्रॉफिट इज वन लैक एंड थर्टी सिक्स थाउजेंड यह भी हमने निकाल लिया तो पता चला कि ये केस स्टडी से एक्स वाई कैसे बनता है मैक्सिमाइज इक्वेशन कैसे बनानी है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है ना रीड द फॉलोइंग फिर से वही केस स्टडी है डीलर इन रूरल एरिया विच टू परचेज अ नंबर ऑफ़ स्विंग मशीन ही हैज़ ओनली फाइव सेवन सिक्स जीरो टू इन्वेस्ट अब इतने पैसे उसके पास इन्वेस्ट के लिए हैं एंड हैज अ स्पेस एट मोस्ट फॉर ट्वेंटी आइटम्स ठीक है स्विंग मशीन खरीद सकता है कॉस्ट्यूम थ्री सिक्सटी मैनुअली ऑपरेटेड स्विंग मशीन टू फोर्टी इलेक्ट्रॉनिक वाली थ्री सिक्सटी मैनुअली टू फोर्टी अब उसने बोला इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन को एक्स ले लो और दूसरे वाले को वाई ले लो तो एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी बिकॉज बीस आइटम स्टोर करने की उसके पास है

कि एक उसको मशीन कितने की पड़ती है 360 की इलेक्ट्रॉनिक वाली और दूसरी 540 इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास इतने पैसे हैं 5760 तो मेरे पास ये कंडीशन भी बन गई एक कि 360 सिक्सटी इंटू एक्स प्लस टू फोर्टी इंटू वाई लेस दैन इक्वल टू फाइव ये होना चाहिए तो एक कंस्ट्रेन आ गया ये एक कंस्ट्रेन आ गया मेरे पास ये और ये तो मैंने मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट के लिए अब नेक्स्ट कंट्रेंस सोचो क्या बन सकता है या इसी को मैं क्या कर सकता हूँ कॉमन निकाल लू यहां से मैं ट्वेल्व वन ट्वेंटी तो ये थ्री एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू फोर्टी एट आ जाएगा तो ये दो कंस्ट्रेंस तो बन गए और दोनों खरीदनी है एटलीस्ट जेके एक मशीन तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो अब तो मेरे पास कंस्ट्रेंस भी तैयार है और मैक्सिमाइज जिस पे करना है वो भी तैयार है तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम ग्राफ बना लेना अपना छोटा सा एक और थ्री एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू फोर्टी एट थ्री एक्स प्लस फोर्टी एट अपॉन टू ट्वेंटी फोर जीरो आ जाएगा यहाँ पे जीरो कॉमा ट्वेंटी फोर और यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट में थ्री एक्स है तो सिक्सटीन तो ये सिक्सटीन कॉमा जीरो पे मैच करेगी और एक एक्स प्लस वाई लेस देन ट्वेंटी जीरो कॉमा ट्वेंटी और ट्वेंटी कॉमा जीरो लाइन तो इन दोनों के नीचे वाला एरिया ये तो ये पूरा शेडेड रीजन आ गया मेरे पास जाकर मैंने निकालना है इसका कॉर्नर पॉइंट क्या बनेगा ये एक है एक्स प्लस वाई इजिकल टू ट्वेंटी और एक है थ्री एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू फोर्टी एट अब जब इन दोनों को सॉल्व किया तो एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे एट कॉमा ट्वेल्व तो अब मेरे पास कॉर्नर आ चुका है मेरे पास कॉर्नर क्या है क्या है जीरो 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 कॉमा ट्वेंटी एट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन कामा ज़ीरो और मैंने मैक्सिमाइज़ क्या करना है अपना प्रॉफिट करना है ट्वेंटी टू एक्स प्लस एटीन वाई तो हमेशा मैक्सिमाइज़ जब प्रॉफिट ही करना है उसको हमने रख लिया यहाँ पे तो अब देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा मेरे पास पहला पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू ट्वेंटी टू एक्स प्लस एटीन वाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज इसी पे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई हमें पता है कि वो 20 से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता तो मैक्सिमम वैल्यू 20 हो सकती है सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रेन अब कंस्ट्रेन मेरे पास क्या क्या दे रखे थे एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेंटी लेस देन ट्वेंटी है ना, लेस देन ट्वेंटी इक्वल टू ट्वेंटी होना चाहिए तो ये तो एक कंस्टेंट नहीं बना ना तो ए ही आ गया मेरा एक्स ग्रेटर than जीरो वाई ग्रेटर देन ज़ीरो है ना और थ्री सिक्सटी एक्स प्लस टू फोर्टी वाई लेस दैन इक्वल टू फाइव सेवन सिक्स फाइव सेवन सिक्स जीरो ये भी ट्रू है तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम वैन अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हम देख लेते हैं जो हमने किया था किस पे निकलेगा जीरो 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 ट्वेंटी पे जीरो जीरो पे कितना बनेगा जीरो जीरो ट्वेंटी पे कितना बन जाएगा मेरे पास थ्री सिक्सटी एटीन ट्वेंटी थ्री सिक्सटी ना यहाँ पे एट ट्वेल्व पे गया थ्री नाइन्टी टू और सिक्सटीन कॉमा जीरो पे कितना आ जाएगा मेरा प्रॉफिट थ्री फिफ्टी टू ओके तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आ रहा है थ्री नाइनटी टू जब एट इलेक्ट्रॉनिक और ट्वेल्व मैनुअल बेचूंगा मैं तो एट कॉमा ट्वेल्व पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा तो देख लेते हैं एट कॉम ट्वेल्थ डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इज थ्री नाइनटी टू रुपीज सो इजी है बस हमने इसमें एक सिर्फ हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है हमने वो बनाना है तो इसमें प्रॉफिट ही होता है जब भी हम कोई चीज बेचते हैं प्रॉफिट के लिए बिजनेस होता है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना है इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स एंड वाई के साथ तो चलिए इसी लाइन पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फर्दर क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ द सेम अ फ्रूट ग्रोअर अ फ्रूट ग्रोअर कैन यूज टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज इन हिज गार्डन पी एंड क्यू पी और क्यू दो टाइप के फर्टिलाइजर बैग हैं यूज़ कर सकते हैं द अमाउंट इन के जी नाइट्रोजन फॉस्फरिक पोटैश एंड क्लोरीन बैग गिवन दिए हुए हैं नाइट्रोजन ए पी में कितना है क्यू में कितना है टेस्ट इंडिकेट्स दैट द गार्डन नीड्स एटलीस्ट टू फिफ्टी के जी और फॉस्फरिक अब कंस्ट्रेंट आ गए मेरे पास पी प्लस के बैग के जितना मर्जी ले लो फॉस्फोरिक ग्रेटर देन इक्वल टू टू फोर्टी होना चाहिए पहला कंस्ट्रेन

तो z इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस थ्री पॉइंट फाइव वाई व एक्स इज दउंट ऑफ बैग पी नंबर ऑफ बैग्स पी एंड क्यू इज द नंबर ऑफ बैग क्यूज एडेड तो ऐसी मेरी कुछ इक्वेशन बन जाएगी सो so, मेरे को मैक्सिमाइज तो यही करना है ऑप्शन बी नेक्स्ट देखते हैं अब मेरे पास कंस्ट्रेंस क्या आ गए ये तो मेरा मैक्सिमाइज वाला हो गया कंस्ट्रेंस आ जाएंगे मेरे पास एक्स प्लस टू वाई ग्रेट पोटैश के लिए गया ग्रेटर देन टू टू फोर्टी नेक्स्ट वाला थ्री एक्स प्लस वन पॉइंट फाइव वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू सेवेंटी और मेरे पास लास्ट वाला क्या आ जाएगा वन पॉइंट फाइव एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू थ्री टेन तो ये तीन कंस्ट्रेंट्स भी मेरे बन चुके हैं और x कॉमा वाई ग्रेटर देन जीरो तो आना ही है तो अब इसका मुझे फिजिबल रीजन बनाना पड़ेगा तो मैंने एक ग्राफ ले लिया बेसिकली फिजिबल रीजन x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन तो ये वाला सारा इधर रीजन पूरा तो x प्लस टू वाई ग्रेटर देन टू फोर्टी तो यहां पे x प्लस टू वाई था तो यहां पे वन ट्वेंटी कॉमा जीरो जीरो कॉमा वन ट्वेंटी लूंगा मैं यहां पे टू फोर्टी कॉमा जीरो लूंगा मैं एक लाइन तो मेरी ये बन गई नेक्स्ट क्या है मेरी एक्स प्लस पॉइंट फाइव वाई मस्ट देन ग्रेटरटी ये वाली यहां से थ्री कॉमन ले लिया मैंने अगर सब में से तो एक्स प्लस पॉइंट फाइव वाई ग्रेटर देन 90 आएगा या वन बाय टू वाई या वाई बाय टू है ना तो वो वाली लाइन मेरी क्या बन जाएगी तो यहां से हंड्रेड एंड आएगा यहाँ पे जीरो कॉमा हंड्रेड एंड बिकॉज वो नाइन्टी दे देगा और यहाँ पे नाइन्टी कॉमा जीरो आएगा तो एक लाइन वो ये बन गई अब इससे ग्रेटर होना चाहिए मतलब इधर को और इससे भी ग्रेटर तो इधर को तो अभी एक लास्ट लाइन बचेगी मेरे पास जो कौन सी है वन पॉइंट फाइव एक्स प्लस टू वाई मस्ट बी लेस देन थ्री हंड्रेड वन पॉइंट फाइव एक्स तो अगर मैं x को यहां पे 180 ले लेता हूं ओके तो इसे सॉरी इसे 160 ले लेता हूं तो यहां पे 320 बनेगा वो तो एक लाइन मेरी यहां से 0.160 इससे थोड़ा सा नीचे से 0, 160, और यहां पे वो बनेगी और वो कुछ यहां से पास करेगी तो ये जो रीजन है लेस देन थ्री एटी ये मेरे पास क्या देगा द फिजिबल रीजन और इन तीनों इक्वेशंस को इक्वेट करके पहले ये वन और टू को लेके मैं इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालूंगा ये वाले फिर फिर ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूंगा और फिर ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूंगा ये तो ईजी है करना तो मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ जाएंगे फोर्टी कॉमा हंड्रेड ये वाला मेरा पॉइंट आ जाएगा ट्वेंटी कॉमा वन फोर्टी एंड लास्ट पॉइंट मेरा क्या आएगा वन फोर्टी कामा फिफ्टी तो ये मैंने बनाए कैसे हैं अब मैंने इन इक्वेशंस को एक, एक दूसरे के साथ इक्वेट किया यहाँ पे एक्स दिया था टू वाई दिया था इसे मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दिया और इसमें से माइनस कर दिया तो एक्स एक्स कैंसिल वाई की एक वैल्यू आएगी फिर उसको हम फिर पुट करके एक्स की एक निकालेंगे फिर एक वैल्यू आएगी मेरी टू और थ्री के साथ है ना यहाँ पे मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी थ्री एक्स हो जाएगा ये थ्री एक्स फिर इनको माइनस करके वाई की वैल्यू आएगी और फिर मैं एक निकालूंगा वन के साथ और एक थ्री के साथ तो ये मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो मेरे ये बन चुके हैं फोर्टी हंड्रेड ट्वेंटी वन फोर्टी एंड वन फोर्टी फिफ्टी तो मेरे को मैक्सिमाइज क्या करना था थ्री एक्स प्लस थ्री पॉइंट फाइव वाई करना था और मेरे पास वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं पहली है मेरे पास वन फोर्टी कोमा फिफ्टी एक है मेरे पास ट्वेंटी कोमा वन फोर्टी और एक मेरे पास लास्ट वाली क्या है फोर्टी कोमा हंड्रेड तो ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स है अब देख लेते हैं कौन से कॉर्नर पॉइंट पे क्या बनेगा इसके मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 595 इस वाले के लिए मेरे पास वैल्यू आएगी 550 और इस वाले के लिए मेरे पास वैल्यू आएगी 470 तो बोला मिनिमाइज करना है मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम वैल्यू 470 सेवेंटी आई है मैक्सिमम वैल्यू 595 नाइनटी फाइव आई है तो चेक कर लेते हैं अब क्या पूछा है उन्होंने मेरे से अगले क्वेश्चन में इफ ए ग्रोअर वॉन्ट टू मिनिमाइज मिनिमाइज पूछा है ना तो मिनिमाइज में, में मेरे पास क्या आंसर है ये 40 कॉमा हंड्रेड फोर्टी बैग्स पी और 100 बैग्स क्यू के उके? तो मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन हाउ मेनी बैग्स ऑफ ब्रांड पी शुड बी यूज तो पी कितने थे फोर्टी करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री इफ द ग्रोर वॉन्ट्स टू मिनिम इज दउंट ऑफ नाइट्रोजन एडिड टू द गार्डन हाउ मैनी बैग ऑफ क्यू तो फोर्टी कॉमा हंड्रेड था तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वट इज द मिनिम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडिड इन द गार्डन तो करके देख लेते हैं नाइट्रोजन का मिनिमम अमाउंट क्या है मिनिमम अमाउंट जब हमने मैनिमाइज़ किया तो फोर सेवेंटी वॉज द मिनिमम अमाउंट एंड फाइव नाइनटी फाइव वाज द मैक्सिमम तो फोर सेवेंटी के जी इज द मिनिमम तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन वट इज द टोटल नंबर ऑफ बैग यूज बाय फ्रूट ग्रो टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ तो बैग पी कितने लिए थे मैंने फोर्टी और बैग क्यू कितने लिए थे मैंने हंड्रेड तो कौन सा आंसर सही है हमारा हंड्रेड एंड फोर्टी हो गया ना तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन तो देखो एक केस स्टडी को बस हमने एनालाइज करके क्वेश्चन को देख लेना कि मिनिमाइज पूछा है कि मैक्सिमाइज पूछा है फिर उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे कंस्ट्रेंट्स भी वहीं दिए होते हैं और हमें मैक्सिमाइज या ऑप्टिमाइज इक्वेशन भी वहीं पर दी होती है बस हमने ढूंढनी होती है और ये अब मुझे लगता है कि बहुत ईजी हो चुका है लीनियर प्रोग्रामिंग करना तो चलो अब दोबारा से एक बार रिवीजन कर लो सारी वीडियोस की एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन थैंक यू